नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सीने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के तीर्थकौल स्थित ब्रह्म स्थान के पास हूं। कई 2024 के चुनाव है, इसको लेकर के हमारे सामने अभी भारतीय क्रांति वीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, इनसे परिचय लूंगा और ये जानकारी लेना चाहूंगा कि 2024 में ये किसकी सरकार को पसंद करते हैं, प्रधानमंत्री किसको बनाते हैं, इनका समर्थन किसके तरफ जाता है। तो आइए इसके संदर्भ में हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आप परिचय बताइए, अपना परिचय। मैं भारतीय क्रांति वीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यराज कृष्ण पासवान, घर हुआ काई तक, थाना संदेश, जिला भोजपुर बिहार। जी, मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगा, 2024 में जो आने वाला चुनाव है, इस चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते हैं और क्यों? 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए जो दावेदार जितने भी लोग हैं अभी तक, हमें नहीं अच्छा लगा। अगला मैं चाहता हूं कि नई पीढ़ी को अब मौका मिले और जितने भी बुजुर्ग हैं, अब वैसा भारत के प्रधानमंत्री, जुआ भारत तो जुआ प्रधानमंत्री हो भारत का। तो इसमें मैं यही चाहता हूं कि अभी भी सिलेक्शन प्रधानमंत्री का ठीक नहीं हो पा रहा, देश की जनता अब चुनाव करेगी कि अब हमें किससे बनाना है। पहले चुनाव हो, हमें ना मोदी जी पसंद हैं और ना राहुल जी पसंद हैं, तो जनता अभी इस पर तय करे कि अब किसे हमें बनाना है। मैं इनकार करता हूं। नीतीश कुमार के संबंध में आपका क्या ख्याल है? नीतीश बाबू तो बिहार में है ही, अभी मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में और अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन हमें ये कहना है कि नया, मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि नए प्रधानमंत्री, अगर जुआ भारत तो जुआ प्रधानमंत्री एक बार बने देश का, ये मेरा हार्दिक इच्छा भारतीय क्रांति वीर पार्टी। तो जुआ प्रधानमंत्री में तो ये राहुल गांधी भी हैं, इनको आप कैसे देखते? कांग्रेस पार्टी जो है बहुत पुरानी पार्टी हो चुकी है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस के हम लोग लेके घूमते हैं तो कंधा पर मारा हुआ हाथी जो होता है ना, हाथी बहुत बड़ा है, ये मर गया है, तो अब उसको उसी तरह से लगता है कि मरल हाथी के हम लोग बो रहे हैं। कांग्रेस का मतलब यही होता है, इसलिए राहुल जी पसंद नहीं है और एक्शन ठीक नहीं लेते हैं और वार्ता भी जनता के साथ उनकी ठीक नहीं है, और जो चाहिए ज्ञान उतना भी ज्ञान परिपक्व नहीं। पिछले 5-10 वर्षों से ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस सरकार को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी की सरकार, जब शुरुआत में मोदी जी आए तो उनकी जो एम था वो बहुत बढ़िया था, लेकिन इनका एम बदलते बदलते दो जगह चला जाके फंस गया। इतना मोदी जी अभी देश में फंस गए हैं बुरी तरह से, जिसका कोई हिसाब नहीं। पहला हिंदू राष्ट्र, दूसरा आरक्षण, ये दोनों इनको प्रधानमंत्री बनने से 2024 में रोक देगा। तो ये आरक्षण के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे जो पसंद के लायक नहीं? मैं इसलिए कहना चाहा कि बीजेपी जो आरक्षण का विरोधी माना गया है शुरू से, आरएसएस भी और बीजेपी दोनों, लेकिन अब ये दोनों मिलकर के आरक्षण बांटने लगे, ये बहुत हमको दुख है कि इनकी ये चाहिए था कि सबसे पहले जो SC ST का आरक्षण मिला था वो सबको मिल जाए, उसके बाद फिर दूसरे को दे, फिर तीसरे को दे, यानी आरक्षण पार्ट वाइज सभी को लाभ दिलवाना चाहिए, न कि इसको लोग जो भंजा रहे हैं चुनाव के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप प्रधानमंत्री हैं जी, एक दूसरा आप बताएं, ये हिंदू राष्ट्र के संबंध में, हिंदू राष्ट्र के संबंध में आपका क्या ख्याल है नरेंद्र मोदी के लिए? मोदी जी ही नहीं, पूरे पार्टी का है ये। इसमें दिक्कत ये हो गया कि हम लोग को जो हिंदू राष्ट्र जो कह रहे हैं तो यहाँ बहुत बड़ी खाई को नहीं पाटा जा रहा है, सभी हिंदुओं को मिलकर के उसको पाटना चाहिए। जैसे हम लोग जाति में जो बांट दिए हैं तो बांटने से बहुत दिक्कत हो रहा है, जैसे मुस्लिम में, ईसाई में, सिख में, इस तरह से नहीं है, लेकिन हिंदू होकर भी आप एकजुट नहीं है तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? यहाँ आपका ये खोखला भाषण हो जा रहा है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है इस बात को, हिंदू राष्ट्र को खत्म कीजिए एकदम, और संविधानिक राज, मतलब जिस तरह से संविधान बाबा साहब का चल रहा है, इसको भी चलने दिया जाए, उसका कोई आवश्यकता रह नहीं गया, कानून से देश चलेगा। ये हिंदू राष्ट्र कहने से, मुस्लिम राष्ट्र कहने से इससे देश चलने वाला है नहीं। कोई चाहे कि हम मुसलमान का राष्ट्र बनाए, कोई कहे कि हम हिंदू को बना देंगे, ऐसे चलेगा? अरे गरीब की विकास के लिए बात करिए, हमको रोजगार चाहिए,
हमको शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, खेत में किसानों को पानी चाहिए, बेरोजगारी महंगाई को दूर होनी चाहिए। तो ये हिंदू मुसलमान को जी की आप लोग इतना पढ़ लिख करके 21वीं सदी में चले गए, अब बात हो रहा है 10वीं सदी की, ये नहीं होना चाहिए। अध्यापक जी, अभी पता चला है कि ये पटना में हम लोगों का जो राजधानी है, यहाँ फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुआ, कुछ जुलूस प्रदर्शन हुआ, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, फिलिस्तीन के संबंध में जो भी लोग समर्थन कर रहे हैं, तो ये इसी को हम लोग ना विरोध करते आते हैं कि आप जातीय, एक अपनी जाति को लेकर के, अगर मजहब को लेकर के लड़ते हैं तो ठीक है। ये लोग जो है अब फिलिस्तीन के जो समर्थन कर रहे हैं, हमको ये कहना है कि आप लोग एक मजहब को खड़ा करें, ऐसा नहीं होनी चाहिए। आप जवाब दीजिए कि हमास जो है बगैर किसी सूचना के जाकर क्यों हमला बोला, आप उसको समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप मुस्लिम है तो आप लोग मुस्लिम कंट्री को विरोध करना चाहिए कि भाई आप बिना कहे हुए, बिना सूचना के किसी के संप्रभुता पर आप जाकर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, बम गोली मारते हैं, हम बताइए तो कितनी दुख की बात है, और आप उसको समर्थन करते हैं? ये जिहाद हुआ, इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए बिहार में। 26 पार्टियों को मिलाकर महागठबंधन INDIA, इसके विषय में आप क्या कहना? इंडिया जो गठबंधन बना, लेकिन हमें ये कहना है कि गठबंधन बनाने से जरूरी था इन लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, भूख, भ्रष्टाचार, घोटाला, इसका अगर कड़ी को जोड़ करके और ये लोग आंदोलन करते वो अच्छा था। आप इंडिया लिख दीजिए चाहे भारत लिख दीजिए, लिखने से क्या होने वाला है? मेरे दिल में तो कुछ दूसरा बात लिखा, मैं मारा हुआ हाथी कहा, तो मारा हुआ हाथी है कि फिर आप कहीं या दूसरा कुछ कह के ये मरल हाथी को फायदा मिलने वाला है नहीं। इसलिए इंडिया लिखिए चाहे पाकिस्तान लिखिए कि भारत लिखिए, ये सब बहुत गलत है, जनता की फरमाने वाली बात है, ये नहीं होना चाहिए। आप लोग लड़िए, तो अभी भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसके लिए लड़िए ना भाई, इंडिया पाकिस्तान को रहे कह के लिए आप लड़िए, गरीब के लिए, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा उसके लिए, नौकरी नहीं मिल रहा उसके लिए, किसान के खेत में पानी नहीं मिल रहा है, खाद टाइम पर नहीं मिल रहा है, इस किसान के लिए नहीं लड़िएगा, इंडिया लिखते रहे से क्या हो जाएगा? इसलिए हमको ये कहना है कि जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जाए इंडिया और भारत करके, जनता की जो हकीकत में आज बेरोजगार देश के जितने भी नौजवान हैं बेरोजगार, क्या उनको शरीर पर बीत रहा है, उनके परिवार को लेकर के नौकरी नहीं मिल रहा है, दिग्भ्रमित है, चिंतित है नौजवान भारत के, कब हम लोग को नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मोदी जी भी चुप है, राहुल भी चुप है, यानी एनडीए भी चुप है, इंडिया भी चुप है। ये देखिए, इन लोग आपसे मतलब नहीं, जनता से मतलब नहीं है, बेरोजगारों से मतलब नहीं है, हम कुर्सी पर कैसे उछल के बेंगवा की तरफ बैठ जाए इससे मतलब है। इंडिया लिख के, पाकिस्तान लिख के, क्या क्या लिख के हम बैठ जाए कैसे हूँ? भारतीय क्रांति वीर पार्टी ऐसे सोच रखने वालों का पुरजोर विरोध करती है, ऐसे लोगों को चुनाव नहीं करे देश की जनता, और एक तीसरी शक्ति के रूप में जनता खुद जो है नेताओं को निकाले, जनता पहचाने कौन पार्टी अच्छी है और कौन नेता अच्छी है, और उन लोगों को जिता करके आप भेजिए दिल्ली, और तब बदलाव होगा, अन्यथा फिर दोनों के चंगुल में फंसेंगे इंडिया और एनडीए, फिर दोनों के चंगुल में फंसेंगे, हम उन्हें हैं हम इन्हें हैं, तो फिर यही हाल रह जाएगा, देश का विकास नहीं हो सकता। ये बताइए सर, आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों पार्टी को एनडीए और इंडिया को तो आपने दोनों को अपने तरफ से विरोध किया, आप कहां जाएंगे, थोड़ा इसके विषय पर प्रकाश डालिए। मैं यही चाहता हूं कि पूरे देश में हम जनता को जगाएं और जागरूक करें कि हमारे लिए अच्छा क्या होगा, देश हित में क्या होगा, जनहित में क्या होगा, बेरोजगार नौजवान छात्र के लिए क्या करना होगा। मैं जनता को जगा रहा हूं, हमेशा ही आंदोलन करके कभी जगा रहा हूं, कभी आपको फेसबुक पर आकर के मैं जगा रहा हूं कि मेरे बातों को आप सुनिए, इंडिया और भारत करने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, जनता सब जो है रोड पर है और दुख में कराह रही है। हम कहते हैं कि आज कोई भी जनता चैन से नहीं है देश में, एक बात आप जान लीजिए, सच्चाई को कहना होगा। हमको 5 किलो का राशन मिल जाए, 5 किलो फ्री में राशन दे दीजिए, क्या उसको खा के हम जी जाएंगे? क्या बच्चे को हमको नहीं पढ़ाना है? 25 लाख 50 लाख बच्चे को पढ़ाने में खर्च करते हैं आप लोग, और इसके लिए खर्चा करके फिर पकौड़ा बेचवाएंगे मोदी जी? नहीं, पकौड़ा बेचिए, आइए, इसका विरोध नहीं करते हैं नीतीश बाबू, आना राजद के लोग करते हैं, चुप हैं, कांग्रेस के भी लोग चुप हैं, इसलिए नहीं नहीं ये तो आप ठीक कर रहे हैं सर। आप ये बताइए, हमारा प्रश्न ये है कि आप किस पार्टी के साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसके विषय में बताइए। मैं किसी पार्टी के साथ न समर्थन में हूँ, ना रहूंगा और ना जाऊंगा।
भारतीय क्रांति वीर पार्टी का साफ साफ उद्देश्य है कि हम जनता के पास जाएंगे और जनता से अकेले इंडिपेंडेंट हम चुनाव लड़ेंगे और जनता से हम आग्रह करेंगे कि इस बार परिवर्तन हो और बहुत अच्छा परिवर्तन हो और युवा भारत है तो युवा प्रधानमंत्री बने, इसके लिए मैं जनता के बीच जाकर के बताऊंगा। तो अंत में आप हमारे सीएम इंडिया टैग चैनल के माध्यम से मतदाताओं को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, सीएम इंडिया चैनल के जितने हैं इन लोगों को भी मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं कि आप लोग बहुत परिश्रम मेहनत करके जनता की आवाज को, जनहित के मुद्दों को जनता के बीच में उठा रहे हैं। इसलिए हम भी आग्रह करेंगे आपसे भी और को और अभी मेहनत की जरूरत है कि जनता की सही और सच्चाई कुछ पत्रकार लोग छिपा दे रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ दोनों बात को, तो लोग को बहुत चाहे कि दबा दिए इस आवाज को, ये आवाज आगे नहीं बढ़े। तो मैं चाहता हूँ कि सभी को, जनता भी विचार करे, आप भी विचार कीजिए, हम भी विचार करें और सीएम इंडिया के साथ साथ हमारे देश की भी विकास हो और सीएम इंडिया के भी विकास हो, गरीबों की विकास हो, इसके लिए पार्टी हमारा हर समय मेहनत करते रहेगी, आपके साथ भी, जनता के साथ भी अपनी बात को हम शेयर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने भारतीय क्रांति वीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सुना, इन्होंने एनडीए और इंडिया दोनों को निराश करते हुए अपनी मांग को, ये पब्लिक के पास, वोट मतदाता के पास जाने की बात कही। इन्होंने कहा मतदाता के पास जाकर सारी बात को बताऊंगा और उनसे स्वयं चुनाव लड़ने के लिए आग्रह करूंगा। धन्यवाद।